नमस्कार दोस्तों, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। मृदा उर्वरता क्या है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में। मृदा उर्वरता सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल फर्टिलिटी किसे कहते हैं इसके बारे में अपने को देखना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मृदा उर्वरता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत सी बार जेट ICAR में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि मृदा उर्वरता की परिभाषा क्या है, जो एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछी जाती है। तो मृदा में उपस्थित सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा एवं उचित संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता है, उसे ही क्या कहेंगे, मृदा उर्वरता कहेंगे। इसी के साथ साथ अपना जो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। तो अब जैसे बात करते हैं कि मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, मृदा के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, या मृदा के जैविक गुण कौन कौन से हैं। तीन शब्द हैं ना यहाँ पे, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक। तो यहाँ देखो दोस्तों, बात करते हैं कि मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जैसे मृदा का आकार, मृदा संरचना, मृदा ताप, मृदा रंग, ये सब क्या है, मृदा के भौतिक गुण। ये भी बहुत से बार क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो भौतिक गुण जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल कलर, सॉइल टेम्परेचर, ये सब मृदा के फिजिकल कंडीशन के जो ऑर्डर हैं वो हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे रासायनिक गुण की। तो मृदा के रासायनिक गुण कौन से हैं, ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मृदा के रासायनिक गुण कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, सॉइल pH। जो अपन बात करते हैं सॉइल pH, जैसे बात करते हैं कि मृदा का pH घटेगा या बढ़ेगा तो कौन सी मृदा का निर्माण होता है, ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में जो गुण हैं, इसके रासायनिक गुण, उनमें जैसे मृदा pH, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं विद्युत चालकता। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा के जैविक गुण की। तो मृदा के जैविक गुण कौन से हैं, जैसे मृदा सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे तो जो एक्टिनोमाइसिटीज है, बैक्टीरिया है, कवक हैं, सेवाल हैं, इन सब से भी मृदा उर्वरता को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, दो। कितने हैं, दो। अब दो कारक कौन कौन से हैं, एक तो आएगा प्राकृतिक कारक और दूसरा कौन सा आएगा, कृत्रिम कारक। अब प्राकृतिक कारक जो नेचुरल फैक्टर है, इसकी बात करेंगे तो नेचुरल फैक्टर होता क्या है, कि प्राकृतिक कारक क्या है, जो प्रकृति की देन है। जैसे बात करें क्लाइमेट, क्या अपन जलवायु को बदल सकते हैं, यस या नो, नहीं बदल सकते। क्या अपन मृदा प्रोफाइल की गहराई है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, या जो सॉइल एज है उसको बदल सकते हैं, या मृदा में जो स्थलाकृति है उसको क्या अपन बदल सकते हैं, जो ढलान है। स्थलाकृति क्या होता, क्या होती है, स्लोप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ढलान, टोपोग्राफी जिसे बोलते हैं। या जैसे मृदा अपरदन, जो जल द्वारा कटाव हो रहा है या वायु द्वारा कटाव हो रहा है, वो अब प्रकृति की देन है, मानव द्वारा निर्मित थोड़ी है। ठीक है, तो ये एक याद करने का जो टॉपिक है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं, इसका अर्थ क्या होगा कि प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति की देन है। जैसे सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे पैतृक पदार्थ, मूल पदार्थ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल। जो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि पेरेंट मटेरियल क्या है, जैसे बात करें कि दोस्तों पेरेंट मटेरियल में जो आग्नेय चट्टाने हैं, चट्टानों के टूटने से तो मृदाओं का निर्माण हुआ है। तो जैसे आग्नेय चट्टाने हैं, उनके अपक्षय से मतलब टूटने से कौन सी मृदा बनती है, अम्लीय मृदा बनती है, क्योंकि उसमें अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्षार का कम होता है। तो अम्लीय मृदा अगर बनेगी तो अम्लीय मृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आग्नेय चट्टानों के टूटने से तो अम्लता बढ़ती है, लेकिन बात करेंगे कि जब औषधीय चट्टानें होती हैं, अगर उनका अपक्षय होगा अर्थात वो टूटेगी, तो किसका निर्माण होगा, मतलब क्षार का निर्माण अधिक होगा, इसलिए क्षारीय मृदा बनेगी, जो अम्लीय मृदा की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। तो ये भी एक मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक है। तो पैतृक पदार्थों में क्या आएगा, जैसे चट्टानें, रॉक्स। दूसरी बात करते हैं जलवायु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट।
ठीक है। तो जलवायु भी एक मर्दा और औरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। वो कैसे हैं कि जलवायु को क्या अपन बदल सकते हैं, जैसे अपने राजस्थान की जो जलवायु है उष्ण व उपोष्ण जलवायु है, ट्रॉपिकल एंड सम ट्रॉपिकल जलवायु है, तो क्या इसको अपन टेम्परेट बना सकते हैं, क्या इसको टेम्परेट के अलावा जैसे ट्रॉपिकल बना सकते हैं, नहीं ना। तो यही बात करते हैं कि जलवायु को कभी बदला नहीं जा सकता है, तो ये भी एक प्रकृति की देन है। तो कौन से कारक में आएगा, प्राकृतिक कारक में। ये याद रखने का एक सबसे ईजी तरीका है। अब जलवायु भी कैसे प्रभावित करेगी, जैसे कई इलाकों में ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही है, अगर ज़्यादा तेज़ जो बारिश होने वाले जो इलाके हैं, सबसे तेज़ बारिश होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उन इलाकों में क्या होता है कि भाई पोषक तत्व जल के साथ घुल के आएंगे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेंगे, तो मृदा उर्वरता में कमी आएगी। तो ये भी एक प्राकृतिक कारक है उर्वरता को प्रभावित करने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा आयु, सॉइल एज। तो सॉइल एज से क्या होता है कि फिर एक इंच मृदा बनने में कितना समय लगता है, 800 से 1000 वर्ष लगता है। तो ये भी एक एज है। अगर जैसे जैसे मृदा बढ़ेगी, मतलब मृदा के दिन प्रतिदिन ज़्यादा समय निकलेगा, अपन एक ही खेत में बार बार अपन कोई भी निराई गुड़ाई जुताई करते रहेंगे, तो काफ़ी लंबे समय तक अपन खेती करते रहेंगे, तो उस मृदाओं में उपजाऊपन कम होगा, मृदा की उर्वरता में कमी आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मृदा प्रोफाइल की, गहराई, डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो मृदा की गहराई से क्या तात्पर्य है कि अपन जैसे एक यहाँ बात आती है कि उथली मृदा की अपेक्षा गहरी मृदा अधिक उपजाऊ होती है। क्यों, क्योंकि जो भी पोषक तत्व होते हैं वो गहराई में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लीचड होके, मतलब निक्षालों होके नीचे की परतों में लीचड हो जाते हैं, तो उथली मृदा में उपजाऊपन कम होता है, और उथली की अपेक्षा किस में अधिक होता है, गहरी मृदा में। और गहरी मृदा में जो भी क्या पौधों की जड़ें होती हैं गहराई तक आराम से फैलती हैं और पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण करती हैं, तो मृदा प्रोफाइल की गहराई भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थलाकृति, टोपोग्राफी, स्लोप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ढलान। जैसे किस कई कई क्षेत्र होते हैं, स्लोप ऑफ अर्थ की बात करेंगे, पृथ्वी का ढलान, जो कई उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं वहाँ पे जैसे कोई टेरिस से अगर कोई पोषक तत्व घुल के नीचे आ रहा है तो पानी के साथ आ रहा है, तो नीचे वाली जो ज़मीन है, नीचे वाली ज़मीन है वो अधिक उपजाऊ हो जाएगी, और जो हिल्स क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्रों की ज़मीन है, वो कम उपजाऊ होगी। तो स्लोप ऑफ अर्थ, स्थलाकृति भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला एक प्राकृतिक कारक है। तो ये एक स्लोप ऑफ अर्थ की बात करें, स्थलाकृति, इसको याद कैसे रखेंगे अपन, याद इसलिए रखेंगे, स्थलाकृति याद कैसे रहेगा कि पृथ्वी का ढलान, क्या पृथ्वी का ढलान अपन ने बनाया है, मानव थोड़ी निर्मित कर रहा है, ये तो एक प्रकृति की देन है, इसलिए कौन से कारक में आ रहा है, प्राकृतिक कारक में। ये एक याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट बात करेंगे मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन का तात्पर्य क्या है कि मृदा का कटाव, एक स्थान से मृदा के कण दूसरे स्थान पर गमन करना। अब मृदा कटाव कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से, प्राकृतिक और त्वरित। अब प्राकृतिक शरण कितने प्रकार से हो रहा है, जल और वायु द्वारा। तो जल और वायु द्वारा शरण हो रहा है, मानव द्वारा निर्मित थोड़ी है, ये तो एक प्रकृति की देन है कि सॉइल इरोजन हो रहा है वो जल द्वारा हो रहा है, वायु विंड तेज हवा के कारण हो रहा है, तो भी ये किस में आएगा, प्राकृतिक कारक में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लास्ट, मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। मृदा की भौतिक दशा, मृदा संरचना कैसी है, मृदा रंग कैसा है, मृदा ताप कैसा है, तो ये भी एक उपजाऊपन को दर्शाता है। जो काली मृदा होती है, चिकनी मृदा, उसको मतलब उसमें उपजाऊपन ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, बालू मृदा की अपेक्षा। तो फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल भी एक उपजाऊपन को दर्शाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात यहाँ करेंगे अपन कृत्रिम कारक की, आर्टिफिशियल फैक्टर, जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसमें कुछ ना कुछ मानव का रोल है। प्राकृतिक कारक में प्रकृति की देन थी, उसमें मानव का कोई रोल नहीं था, लेकिन कृत्रिम कारक में मानव का रोल होगा। वो कैसे, मृदा पीएच। अपन मृदा पीएच को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कोई अम्लीय मृदा है उसको अपन क्षारीय बना सकते हैं, तो अम्लीय मृदा में क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके अपन उसको क्षारीय प्रकृति भी बढ़ा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो मृदा पीएच भी एक मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक है। वो कैसे है कि जैसे अम्लीय मृदा है उसमें कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है, लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक, इनकी अधिकता होती है, और क्षारीय मृदाओं में कौन सी की होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी अधिकता होती है। और जहाँ कैल्शियम, जो एल्यूमिनियम, जिंक है, वहाँ अगर पोषक तत्व बढ़ रहे हैं तो उस मृदा की उर्वरता कम होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। जलाक्रांति से तात्पर्य क्या है, जैसे अपना कोई भी खेत है उस खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भर गया,
आवश्यकता से अधिक पानी बढ़ता है तो उसमें वायु संचार कम हो जाएगा, वायु संचार कम होगा तो पौधों की जड़ों में जड़ गलन रोग उत्पन्न होगा और पौधे की मृत्यु हो जाएगी। और जब वहाँ पे पौधे की मृत्यु हो रही, लेकिन अपन तो उर्वरता की बात करें तो उर्वरता में क्या होगा कि उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो लीचड़ों के नीचे की परतों में चले जाएंगे, उनका निक्षालन हो जाएगा। तो जलाक्रांति भी पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? कृत्रिम कारक है। नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवारों का नियंत्रण, वीड कंट्रोल। तो खरपतवारों का नियंत्रण वो ये भी एक मानव द्वारा निर्मित है, प्रकृति की देन थोड़ी है कि ऑटोमेटिक खरपतवारों का नियंत्रण हो रहा है। अपन कोई भी रासायनिक विधि द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण कर रहे हैं तो उसमें मानव का रोल हुआ, या कोई जैविक विधि द्वारा अपन खरपतवारों का नियंत्रण कर रहे हैं तो उसमें भी मानव का रोल है। इसलिए मानव द्वारा निर्मित किसमें आएगा? कृत्रिम कारक में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मृदा जुताई का ढंग, मेथड ऑफ प्लॉइंग, किस तरीके से अपन जुताई कर रहे हैं। जैसे कई बार खेत होते हैं वो सीधे अपन बुआई कर देते हैं, ढलान के विपरीत खेती नहीं करते हैं, तो उसमें पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर जाते हैं जल के द्वारा। तो ये मृदा जुताई का ढंग भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है, जुताई मानव कर रहा है, मानव अपने तरीके से खेती करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मृदा ताप, सॉइल टेम्परेचर। तो सॉइल टेम्परेचर भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। वो कैसे, अब वो कृत्रिम कैसे है? क्या मृदा ताप को अपन घटा बढ़ा सकते हैं? यस, कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे मल्चिंग करके मृदा ताप को अपन कम कर सकते हैं, और खेत को खुला छोड़ दो जुताई करके, मृदा ताप बढ़ जाएगा। तो मृदा जुताई के बाद में मृदा ताप है उसको कम ज़्यादा मतलब घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी एक मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? कृत्रिम कारक है, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट बात करेंगे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है तो वो अपने आप ही मृदा उर्वरता होगी, उसमें मृदा उर्वरता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा। अगर मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक है तो उसमें वायु संचार बढ़ेगा, जल निकास की जो है बढ़ेगा, या जल संचार बढ़ेगा, ये अपने आप ही बढ़ेगा मृदा में सूक्ष्म जीव। क्यों? क्योंकि जो एक्टिनोमाइसिटीज है, बैक्टीरिया है, कवक है, फंगस जो भी है, ये सब क्या करते हैं कि सूक्ष्म जीव मृदा में वायु संचार को बढ़ाते हैं, और ये मानव द्वारा निर्मित है, क्योंकि मृदा में अपन सूक्ष्म जीवों की मात्रा को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो घटा बढ़ाने की क्रिया मतलब मानव द्वारा, और इसलिए ये कृत्रिम कारक में आएगा। तो दोस्तों ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक और कृत्रिम कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन से हैं, या निम्न में से कृत्रिम कारक कौन से हैं। तो ये आप लोगों के सामने है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे मृदा उत्पादकता की, सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है? मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता। मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता क्या कहलाती है? मृदा उत्पादकता कहलाती है, जिसे अपन प्रति हेक्टेयर रुपयों में या उपज के रूप में मापते हैं। ये भी एक इसकी इकाई है, यूनिट भी कई बार पूछ लेते हैं कि मृदा उत्पादकता की यूनिट क्या है, तो इसे प्रति हेक्टेयर रुपयों में या उपज के रूप में मापते हैं। अब बात करते हैं कि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सॉइल फर्टिलिटी, यातायात के साधन, मतलब मृदा उर्वरता, यातायात के साधन, बाजार की मांग, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक स्थिति। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले मृदा उर्वरता की। तो मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता को कैसे प्रभावित करेगी? भाई जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उर्वर मृदा होगी तभी तो उत्पादन मिलेगा, अगर उर्वर मृदा ही उर्वर नहीं है अपनी तो अपने को उत्पादन कैसे मिलेगी। तो उर्वर मृदा जरूरी है उत्पादन के लिए, तो मृदा उर्वरता भी उत्पादकता को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर यातायात का साधन अपन आवागमन के लिए ईजी है तो अपने को व्यय कम मिलेगा, मतलब शहर के समीप अगर आपको अपने को कोई कृषि मंडी मिलती है तो अपन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए अपने को खर्च कम आएगा, हालांकि इनकम वही मिलेगी लेकिन अपना व्यय जो खर्च लग रहा है वो कम आएगा। मतलब उत्पादकता का अर्थ क्या होता है कि लागत के साथ उत्पादन मिलना, कितनी लागत लगी, कितना उत्पादन मिला, फिर उसके बाद में अपना जो बेनिफिट आएगा वो बाद में अपना उत्पादन होगा। ठीक है, तो लागत कितनी आ रही है तो कम से कम व्यय आना चाहिए, वो यातायात के साधन पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाजार की मांग, प्रोडक्ट डिमांड। तो बाजार की मांग क्या है? बाजार की मांग की अपन बात करते हैं तो बाजार में अगर कोई भी चीज़ है या कोई भी वस्तु है
जैसे अपन बात करें कि प्याज, प्याज की अगर बाज़ार में मांग ज़्यादा है तो उसका प्रति हेक्टेयर मतलब रुपये बढ़ जाएगा, प्रति क्विंटल उसकी रुपये की जो वैल्यू है बढ़ जाएगी। जैसे मान लो बात करते हैं टमाटर है, टमाटर की जैसे डिमांड ज़्यादा हो रही है तो अपने आप ही मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा अपने को, ठीक है। तो बाज़ार की मांग भी मर्दा उत्पादकता को प्रभावित करेगी। अब इसमें यह बात करते हैं कि लागत, तो अपने जैसे 10 रुपये किलो टमाटर है तो भी अपने वही लागत लग रही थी, मतलब वही लेबर काम कर रही थी, वही फर्टिलाइज़र दे रहे थे, वही अपने इरीगेशन जो सिंचाई जल है वो दे रहे थे, वे वही आया, लेकिन इनकम अपने को कितनी प्राप्त हुई। एक वही टमाटर जो 10 रुपये किलो बिक रहा था वही एक 50 रुपये किलो बिक रहा है, खर्च दोनों में बराबर है लेकिन अपने को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, वो किस पे मिल रहा है, बाज़ार की मांग पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मर्दा की भौतिक दशा। तो मर्दा की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन अगर सही है मर्दा की भौतिक दशा, मतलब मर्दा उपजाऊ है तो अपने आप ही मर्दा उत्पादन मिलेगा। मर्दा का वायु संचार अच्छा होना चाहिए, मर्दा में जल संचार अच्छा होना चाहिए, मर्दा की भौतिक दशा में जैसे कणाकार संरचना रंग अच्छा होना चाहिए ताकि अपने को उत्पादन है वो अधिक मिले। नेक्स्ट बात करते हैं मर्दा की स्थिति, सॉइल लोकेशन। अगर सॉइल लोकेशन की जैसे बात करें कि अगर कोई भी जैसे शहर के समीप अगर अपने कोई भी फील्ड है, जो शहर के समीप की जो भूमि है उसका पैसा ज़्यादा है, उसका रुपया अधिक मिलेगा, और शहर के जो समीप जो शहर के नज़दीक जो ज़मीन है उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो अपने को उत्पादन भी वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो सॉइल लोकेशन भी मर्दा उत्पादकता को प्रभावित करता है। तो आपके सामने है मर्दा उत्पादकता, तो मर्दा उत्पादकता क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आसानी से भी देख सकते हो, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात यहां देखते हैं कि क्या उर्वर मृदा उत्पादक हो सकती है, क्या उर्वर मृदा उत्पादक हो सकती है, नहीं, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी, वो कैसे। उत्पादक मृदा का निश्चित रूप से उर्वर होना जरूरी है, लेकिन उर्वर मृदा का उत्पादक होना जरूरी नहीं है। अब जैसे कई बार देखते हैं कि अपना कोई भी खेत है वो फुल फर्टाइल है, अधिक उपजाऊपन है उसमें, अधिक उर्वरता है उसमें, लेकिन जैसे कई बार देखते हैं कि भाई जैसे बाजरे की बात करें या गेहूं की बात करें, जैसे बाजरा अपने को अच्छा हरा भरा दिख रहा है, और कई बार जैसे तेज आंधी आ गई, तेज बरसात आ गई तो पूरा फसल चौपट हो गया, या कोई भी कीट बीमारी लग गई उस पर तो वो पूरी फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके कारण अपने को उत्पादन नहीं मिलता, तो उर्वर मृदा तो कहीं की रह गई ना, बिल्कुल दरी की दरी। तो उसमें देखते हैं कि भाई उर्वर मृदा का उत्पादक होना जरूरी नहीं है, लेकिन उत्पादक मृदा का उत्पादन उर्वर होना जरूरी है। वो कैसे, अगर अपने को उत्पादन मिल गया, जैसे अपने को गेहूं की भी जो है प्रति हेक्टेयर उपज चाहिए कि 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज की बात करते हैं कि गेहूं में 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज चाहिए अपने को, उतनी अगर मिल गई तो अपन उस पर मृदा को क्या कहेंगे, फुल उपजाऊपन मृदा, फुल उर्वर मृदा कहेंगे। लेकिन अपने को जैसे 4 से 5 क्विंटल ही मिल रहा है तो अपन उसको उर्वर मृदा नहीं कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता मनुष्य के नियंत्रण में होती है, मृदा उर्वरता मनुष्य के नियंत्रण में होती है और मृदा उत्पादकता मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। उर्वर मृदा को तो अपन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उसको कितनी बार निराई गुड़ाई करें, टाइमली अपन उसमें खाद उर्वरक दें ताकि उसमें उर्वरता बनी रहे, लेकिन उत्पादक मृदा का जरूरी नहीं है कि वो मानव के नियंत्रण में हो, उत्पादक मृदा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती है। अब देखो दोस्तों अपन कुछ यहाँ पे वर्ड लेके हैं, जैसे रैम्बिंग, टिस्ट, मार और मार्लिंग, क्या होता है ये बहुत सी बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि टिस्ट किसे कहते हैं, मार किसे कहते हैं, मार्लिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे रैम्बिंग क्या है, मृदा में रखे बेकार पदार्थों को जलाकर उष्मा उपचार करना, मृदा में रखे बेकार पदार्थों को जलाकर उष्मा उपचार करना क्या कहलाता है, ये बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, रैम्बिंग कहेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे टिस्ट क्या है, ऐसी मृदा जिसमें मोलिब्डेनम की अधिकता हो उसे क्या कहते हैं, टिस्ट कहते हैं। तो ये भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ऐसी मृदा जिसमें मोलिब्डेनम की अधिकता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, टिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मार, तो मार क्या है, मार यह एक कच्चा ह्यूमस है जो जंगल के एक ह्यूमस सतह का प्रकार है, तो ये परिभाषा देके अपने ऑप्शन डाल देंगे, तो मार हो गया। और लास्ट बात करेंगे मार्लिंग, तो मार्लिंग क्या है, बलुई मृदा में क्ले मृदा मिलाने या डालने को ही मार्लिंग कहते हैं, बलुई मृदा में अगर क्ले मृदा अपन मिलाते हैं तो ऐसी क्रिया को अपन क्या कहेंगे, मार्लिंग कहेंगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे
ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। अगर फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके और उस पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें कि कोई भी शब्द समझ में नहीं आया, कोई भी परिभाषा या कोई लाइन नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। थैंक यू। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।